आज भी तो और गारंटी है, 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे, लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं, अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं ना। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती, अनेक जन्मों की गारंटी। कौन सी गारंटी? डील देख लिया ना, स्पेसिफिकेशंस, ये सब गारंटी है। लेकिन हाँ, चाहे देखो, गारंटी में भगवान सौदा करे, फिर गारंटी वो करे। आज जैसे हम बहने भी कहीं जाती है, हम बोल देते हैं, हम पुरुषार्थी है, लेकिन अगर हम बहनों ने बोल दिया ना, वो मान लेते हैं, क्योंकि पता है सच्चा है। एक डिवाइन पर्सनालिटी के लिए के ऊपर भी ये होता है। भगवान खुद कहता है, मैं गारंटी दे रहा हूं। देखो ये महावाक्य हम सबको क्लियर है, बाबा बोल रहे थे और रिकॉर्ड हुआ और ये प्रिंट हो रहा है, किसी ने अपना कुछ लिखा नहीं है ये। और कैसे बाबा आते आप सभी ने देखा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। डील कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। तो बाबा कह रहे हैं, तो चाहे तो अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं, चाहे सुनो, और एक गारंटी में और लिखते जाओ स्पेसिफिकेशन, चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती है। जितने समय वो आत्मा चाहे सतयुग चाहे त्रेता युग में रहेगी, उसको चारों ही मिलेगा, चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होगी। ऐसा सौदा कब किया है? अब तो किया है ना सौदा, त्रेता के अंत तक भी ये मिलेगा, चाहे वो लास्ट जन्म तक प्रजा की प्रजा भी बने, लक्ष्मी नारायण की प्रजा डायरेक्ट उसकी भी प्रजा बने, लेकिन उसका भी त्रेता अंत तक, हर आत्मा का त्रेता अंत तक। और त्रेता अंत तो कहने के लिए एक्चुअली 3/4, त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होगी। ऐसा सौदा कब किया है? किया है ऐसा सौदा कभी पहले? ये जन्मों का सौदा किया है, प्रजा अब तो किया है ना सौदा। अच्छा, डील फाइनल, अच्छी लगी डील? कुछ क्वेश्चन तो नहीं है डील में? की प्रजा क्या हुई? प्रजा की भी प्रजा, वहां प्रजा तो होती है, लेकिन जैसे उसके भी राज्य में साहूकार प्रजा है, उसकी भी प्रजा, उसके राज्य में उसको मानने वाले। जैसे वो एक है बड़ा बिजनेसमैन, पर बाकी कई होते हैं ना छोटे छोटे जो उसको मानने वाले होते, वैसे राजा तो अलग है ही, प्रजा भी है और प्रजा की प्रजा है। फिर दास दासी, दास दासी के भी दास दासी। तो बाबा पूछ रहे, पक्का सौदा किया है? अब पूछो डील, ठीक है? अच्छा, फिर पूछ रहे हैं, पक्का सौदा किया है या कच्चा? सोचो, अभी पक्का है? सिग्नेचर एक बार हो जाए ना, पहले देख लो सारा कुछ, इसलिए एक पैराग्राफ पूरा डील को दिखाया बाबा ने। अब पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है, अब सिग्नेचर करें, करोगे? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। अब देखो, ये तो डील था, अब पर सौदा है तो मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा। क्या दिया? कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं, फॉरेनर्स पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे, विदेशी, डबल विदेशी, विशेष। तो दिल दिया ना,
अच्छा दिल तो दिया बाबा को सबने, हम क्या कहते हैं भगवान को, सिर्फ हमने दिल दिया, लेकिन कौन सा दिल दिया? दिल दिया लेकिन कौन सा दिल दिया बताओ, अपना दिल कैसा है? कागज का, कागज का दिल है? नहीं नहीं मींस की वो फॉरेनर जब भेजेंगे तो दिल बना के भेजेंगे, फॉरेनर की बात नहीं, अपना दिल, सच्चाई सफाई वाला दिल दिया, सच्चा दिल। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, कौन सा दिल दिया है, रियलिटी बताओ। एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे, पूरे समय इधर फंसे हुए थे, इधर फंसे, इसको दिल दिया, इसको दिल दिया, ये सारे टुकड़े में बटा हुआ, और फिर इंजर्ड, हर कोई कहता है मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, इंजर्ड दिल। yes. तो एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे, माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है, और संबंध की लिस्ट निकालो, कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी, काका मामा बाबा चाचा सारी संबंध इतने, तो ऐसे दिल कितनों को दिल देना, मतलब इतने डिपेंडेंट होना, जितने टुकड़े उतने डिपेंडेंसी, और जितनी डिपेंडेंसी उतने डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, तो उस जितनी डिपेंडेंसी उतने लोगों के ओपिनियन से मेरा काम चल रहा था, उसने कुछ कह दिया मुझे फील हुआ क्योंकि डिपेंडेंसी थी, तो बाबा यही कह रहे हैं। तो एक संबंध में दिल दिया, दूसरा वस्तु में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ दिया, जोड़ लिया, टुकड़ों वाली दिल थी ना, तो बाप ने देखो वो टुकड़ों वाली दिल को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या दिया और फिर लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। दिल एक है संबंधों में टुकड़े हुए पड़े, और एक वस्तु में कभी ऐसा लॉस हुआ फाइनेंशियल, या तो हमने वो लॉस बहुत याद रहता है, तो वस्तु में दिल दिया हुआ, संबंधों में दिल दिया हुआ, वो दिल दिया, तो बाबा कह रहे हैं तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं जहां दिल लगा हुआ था अब तो नहीं है, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तो बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया, और दी तो दिया क्या और लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है, सेकंड का सौदा है ना, सौदा क्या है, अब सौदा को कैसे मटीरियलाइज करनी है, ये तो सौदा था, ये बताया बाबा ने कि ये पूरा है सौदा, बट एक्सचेंज कैसे, और एक्सचेंज में क्या है वो भी बताया, और अब देने के लिए क्या चाहिए। बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता है, सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में, दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया, कितनी सहज विधि है। दिल से एक बार भी बाबा कहा उसको सत्युग त्रेतायुग की स्टार्टिंग, तो त्रेतायुग के पीछे से वर्षा तो शुरू, एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता है, कितनी सहज विधि है। ये सौदा में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बस बाबा कहो, कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय संगमयुग के
और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। कौन है इसमें, इस पार्टिसिपेशन में कौन कौन है? है पक्के है तो जो आने वाले वो तो है ही, जो सुनने वाले हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखो, तो बाप दादा सूरत मूरत देख रहे हैं, बाबा सामने है ना, क्या सूरत देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बाबा? दुनिया के अंतर में कितने भोले भोले हैं, भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं, और उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। बोलो ना किसी को, तो ये वाला काम हमारे लिए नहीं है। हम किसके लिए? अभी ये काम के लिए कमाओ भाई, पेट कैसे चले, मतलब बहुत कुछ बातें हैं। और हम लोगों ने ये सौदा कर लिया। तो बाबा कह रहे हैं कि उन, क्योंकि कईयों को ये भी होता है ना, ये किसका काम है, ये तुम लोग फ्री हो इसका काम है, और ये नहीं जानते कि इससे वो कमाई कितनी अच्छी होती है। जैसे दीपक भाई, तो बाबा कहते हैं उसी उलझन में बाप को पहचानने की फुर्सत भी नहीं है, अपने को बचाने में धन को बचाने में समय चला जाता है। अगर बादशाह भी है तो भी कैसे बादशाह है, राजा है, अपने अपने एरिया के राजा, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कैसे बादशाह है, टेंशन से भरपूर है, फिकर के बादशाह फिकर के बादशाह है। तो बाबा कहते हैं अगर बादशाह भी है तो फिकर वाले बादशाह है, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिकर वाले बादशाह। और आप बाहर से बिन कौड़ी के हो, लेकिन तो पहले सौदागर बनाया बाबा ने, अब बादशाह। तो कौन से बादशाह बाबा? हमारे बादशाह, हमारे बादशाह के टाइटल्स बाबा ने कौन कौन से दिए? संगम युग के बेफिक्र बाबा भी काला धन वर्ड यूज कर रहे हैं। बादशाह, कई बादशाह नाम बाबा हमेशा देते, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के ताज बादशाह, बेगमपुर नाम दिया बाबा ने। तो और आप बाहर से बिन कौड़ी हो, लेकिन बेफिकर बादशाह हो, बैगर होते हुए भी बादशाह। दादी जानकी का फेमस था ना स्लोगन, खीसा खाली जेब खाली पर है हम जगत के माली जगत के मालक, मतलब कुछ नहीं, पर्स भी नहीं हमारे पास रहता। तो फिर बहने कहती थी वो छू, बाकी बहने आपका पर्स उठाती है ना, दादी कहती लेकिन मेरे पर्स में कुछ होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बिन कौड़ी बेगर होते भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे, जब बाबा यज्ञ शुरू हुआ तो इस तरह की भी साइन रही, बेगर टू प्रिंस, अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। संकल्पों का सुख जहां है ना, वो बादशाह है। बादशाह मतलब क्या सुख, कितना कुछ होते हुए स्वभाव संस्कार जहां ऐसे है, कोई सुखी नहीं। बड़े बड़े कितने आते हैं, सबको पता, आप लोगों को भी पता ही है, बड़े बड़े होटल वालों के बच्चे, लाइन कौन सी है, शराब आदि पीना है करना है, ज्ञान में भी चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे, और फिर मतलब अपना पूरा लाइफ शरीर खराब किया, पैसा बहुत है तो शरीर खराब करो, मन खराब करो, दूसरों का टाइम खराब करो, गुस्सा क्रोध
और फिर कोरोना में इफेक्ट हुआ, पहले से इतना खराब था शरीर, यंग एज है, चला गया। फिर कहते कोरोना ने देखो इतना टोल हुआ, टोल किस लिए हुआ, पहले अपने आप को पूरा खराब किया। अगर जिसका बहुत अच्छा ध्यान से रखा हुआ, बाबा के अकॉर्डिंग अगर हम शरीर भी रखते हैं ना, वो शरीर भी हमको टाइम पर ऐसी बीमारी में साथ देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सचमुच बादशाह नहीं आजकल है बादशाह। बाबा कहते हैं अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। आजकल के जो नंबर वन धनवान आसामी है, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो तो त्रेता अंत की प्रजा भी आजकल के हाईएस्ट फोर्ब्स लिस्ट के जो भी नंबर वन होंगे उससे भी ज्यादा होंगे। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा, पैसा तो वही, ज्वेलरी और सब सोना तो यही का होगा, और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा लास्ट में जब, और जितनी बड़ी संख्या, जब विनाश होगा तो जितनी बड़ी संख्या उसी प्रमाण धन बटा हुआ है, और वहां संख्या कितनी होगी, पॉपुलेशन पहले 40 थे, रिसोर्सेज उतने ही, अब रिसोर्सेज उतने ही है, 40,000 है, तो संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। आज भी हम बादशाह कैसे हुए, कोई अप्राप्ति नहीं। वैसे जैसे जैसे ज्ञान समझते जाएंगे ना, अनुभव होता जाएगा, इच्छा होगी, इतनी इच्छा ही खत्म हो जाती कि ये चाहिए वो चाहिए। बाबा जहां मुझे निमित्त बना के सेवा कराएगा ठीक है, बड़े कोई भी चाहे किसी भी मात्रा में छोटा बड़ा हो, वो बाबा की सेवा है, इच्छाएं खत्म हो जाती। तो अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, सौदा बता दिया, दोनों के स्पेसिफिकेशंस बता दिए, तुम्हारा भी पास क्या है और मैं क्या लेने आया हूं, विधि भी बताई, और अब बाबा पूछ रहे हैं आर यू रेडी, रेडी या हम तुमने तो कर ही लिया है, हाथ उठ रहे, धीरे धीरे हाथ उठ रहे, नहीं किया है सौदा, जल्दी उठना चाहिए अगर सौदा किया है तो। क्यों भाई दीपिका बहन क्या हुआ, हाँ कर लिया ना सौदा, टाइम तो नहीं लग रहा है, वेरी गुड। देखो जो ऑडियो वाले उन्होंने भी हाथ उठाया, तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा। अच्छा पक्का सौदा, पक्का एकदम, कुछ निकलेंगे तो नहीं बाहर डील के बीच में, वह भी सोच रहे हो ना, बाबा थक ना ठोक ठोक के पूछ रहा है। कभी कोई बड़ी चीज सस्ती, देखो क्यों बाबा को डाउट आता है, बाबा क्यों पूछना, डाउट इन द सेंस पूछ रहे बाबा, कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है ना तो भी उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ठीक है वा नहीं। कोई बहुत ना इतनी बड़ी चीज और ऐसे मिल रहा है तो उसमें भी डाउट करते, कलयुगी माइंड है, ऐसे उलझन में तो नहीं होना, हम लोगों को क्यों मतलब क्यों डाउट आ सकता है अगर नए हैं, और भगवान और ऐसे आ सकता है क्या, क्यों, क्योंकि द्वापर युग से भगवान के विषय में बहुत डिफिकल्ट बातें बता दी है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, त्याग करना, मतलब ये सब होगा तो कहीं जाकर वो भगवान के एक मिनट के दर्शन होंगे, तो ये इंप्रेशन अभी तक है। तो हम सोचते ये तो ठीक है, ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आया है, भगवान आया है, ये सौदा है, ये सोच के कर रहे हैं। अब बताओ भगवान के साथ मैं सौदा कर रहा हूं, अब कितने हाथ है,
भगवान के साथ। अच्छा चलो वेरी गुड, वॉलेंट्री है, जबरदस्ती भी नहीं याद होता, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते क्यों, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं, छोटी बात को बड़ी बना दिए इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचते ऊंचा भगवान उनसे मिलने की विधियां भी तो लंबी चौड़ी बता दी, ध्रुव के लिए क्या बताया, 6 महीने एक पैर पर, फिर अगला 6 महीने दूसरे पैर पर, ऐसे करके ये भगवान के मिलने की विधि, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। उसी चक्र में भक्त आत्मा इस सोच में ही पड़ी हुई है, भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा आ गए भक्ति का फल ये ज्ञान, लेकिन अब फिर भी भक्ति पत्ते पत्ते में पत्ते पत्ते को पानी, बाबा का ज्ञान समझना और वैसे जैसे बाबा ने कहा कर लेना, मतलब बीज को पानी देना और बाकी भक्ति करना, अभी भी कर रहे हैं, मतलब पत्ते पत्ते को पानी दे रहे हैं। बाबा ने एक बार कहा ना किसी को, मिल रहे थे ना, भक्ति में थे, बोला बीज को पानी दो, टाल टालियों को पानी देने से फायदा नहीं है, क्या फायदा। तो ये बाबा कह रहे हैं कि उसी कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए हो ही नहीं सकता, ये बोल रहे हैं। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के भी नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, अपने ही कार्य में बिजी है, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। वो बहुत सेलिब्रिटी है, तो वो जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, तो उन लोग, खैर अभी तो अलग बात है, ब्रह्मा कुमारी इसका ब्रांड नेम है, नहीं तो फिर वो गुरु भी कौन से रखते हैं जो सेलिब्रिटी वाले गुरु होते हैं नामी ग्रामी। और ब्रह्मा कुमारी इसका क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो नियम है, कायदे है, वो तो फिर भी इजी है ना, खाली क्या करना है, कुछ नहीं, जाके दर्शन कर लो, कुछ धनवन चढ़ा दो, बस अपने जीवन में उतारना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो यहाँ लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया, पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया है। पांडव, पांडवों को पूछ रहे, पांडव कौन है मालूम है ना, यहाँ इन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है, बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती है कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती है, बाप भी कहते बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अखूट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुणा भी आ जाए तो भी ले सकते हैं। बाबा ने कितना अच्छा कंपैरिजन किया, विनाश वाले ऐसे करते हैं ना, तो बाबा भी, बाबा के पास इतना खजाना है कि इतने सारी आ जाए, इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं, इसलिए दो प्रकार की माला पूजी जाती है, कहा अष्टरत्न और कहा 16,000 का लास्ट, कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है, सबने सौदा किया, लेकिन खुले दिल से सौदा करो। तो खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े निकलते, हिम्मत चाहिए,
जैसे वो वही है कि बाबा ने जैसे कहा ना कि पता नहीं भगवान कह रहा है, थोड़ा सा भी डाउट आया। सपोज आज भगवान साक्षात्कार हो और वो कह दे कि ये तुम कर लो, एक शब्द कहे कि जैसे हम सपने में भी कितने सुनते ना, राजा को सपना आया, उसने बोला ये कर लो। आप अपने आप को देखो, मुझे सपने में या सामने दिख जाए और बोला ये कर लो, सोचेंगे हम ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे चलेगा, सोचेंगे नहीं सोचेंगे ना। जिसको भी हम इष्ट मानते हैं वो सामने बोल दे कौन कर बोल रहा है मुझे, बाबा भगवान कह रहा है मुझे, इसलिए कोई बहुत इजी हो जाता है ना, फिर सोचते पता नहीं, इसलिए इसमें देर हो जाए, डिले होता है कि बोल तो रहे हैं बाबा लेकिन लेकिन वर्ड आते ही डाउट पीछे कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं इतना अथाह खजाना है तो खुले दिल से सौदा करने वाला, तो सौदा करने में तो एक जैसे ही है, शब्द में अंतर, लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा, शब्द में अंतर नहीं है, सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा है, देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगमयुगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण व किसको सर्वगुण दिया, ये अंतर नहीं है। बहनों को ज्यादा दिया, समर्पित है इसलिए सबको एक जैसे दिया, तभी तो रैंकिंग हो सकती है। अगर सबके पेपर्स अलग अलग होता तो रैंकिंग होती, सबकी टीचिंग्स उसको अलग, टीचिंग्स उसको, तो रैंकिंग होती। इसलिए बाबा कह रहे हैं शब्द में अंतर नहीं है, तो सभी का टाइटल एक ही है, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं, सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देवात्मा कहते हैं, गुणमूर्ति कहते हैं, खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते, नहीं कोई 1 महीने से ज्ञान में चल रहा हो, कौन है यहाँ 1 महीने से जो ज्ञान में चल रहा है, एकदम अभी अभी 1 महीना ही हुआ हो, उससे भी कम वाले हैं ना, दो उससे जने भी हैं, हाँ, दीपिका और चंदा भाटी। कम, 1 मास का बच्चा वो भी अच्छा ज्ञान का वर्णन कर लेता है, और 50 साल वाला भी, अगर एक एक गुण पर शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हो, बुद्धि में तो है तब तो कर सकते हैं ना, मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है जो ज्ञान में, बल्कि जो नए नए होते हैं उनका आप सुनो बहुत अच्छा, उनको तो उनको अनुभव भी बहुत होता है और कर भी रहे हैं, अच्छा बुद्धि में है नंबर, बाकी अंतर क्या हो गया, नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं, उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते, स्व के प्रति मनन करना ज्ञान को। बाबा ने कहा कि बच्चे अनेक दिल के टुकड़े थे, अब बाबा को ये सौदा दिया है तो अब मैं मनन करूं कि मैंने जो भी टुकड़ा बचा, मतलब समेट के वो बाबा को दे दिया, स्व के प्रति मनन करो। तो एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे मनन करने वाले, तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं ना, वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले मनन करके अनुभवी बने तो दूसरों को भी आप अनुभवी बना सकते, और वर्णन करने वाले दूसरे को वर्णन करने वाले बना देते हैं,
महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे, वर्णन करने वाले, वर्णन करने कराने वाले बना लेंगे। महिमा करेंगे, जैसे हम दादियों की महिमा करते हैं, दादी ऐसी थी, दादी ऐसी थी, मतलब क्या था कि वो मुझे बनना है, इसलिए हम बाकी महिमा करना, जैसे भक्ति मार्ग में होता ही अपने गुरुजी है, फाउंडर है, उनकी महिमा करते हैं भक्ति में, होता ही है ना। तो महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे जो वर्णन करने वाले हैं, स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। महिमा करना मतलब वैसे बनना। हम सभी ने लिखा ना अपना अपना संकल्प, दादी का, दादी ऐसी है, जानकी दादी का जो हार पहनाया, मतलब क्या था, ये वैसा। क्योंकि एक्चुअली भी जो हम किसी की कोई चीज बहुत एडमायर करते हैं ना, वो मेरे को इंटरेस्ट है उसमें, वही बात मैं दूसरे का बहुत एडमायर करूंगी। तो एडमायर तक नहीं रखना है, अब स्वयं तक। तो नंबर वन अर्थात मनन शक्ति से अनुभवी, मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बन, अनुभवी बनाने वाले अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। एक है बहुत धन है, बहुत धन है, एक है एक्सपीरियंस है कि वो धन पड़ा है मेरे पास, मतलब वो धनवान बनाने वाले, इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है। और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे, और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वर्णन करने वाले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। नहीं मैं ना, मुझे पता भी है, पर फिर ये आ जाता है, ये भी पता है लेकिन फिर वो वर्णन करने में है, पर समय के उस समय मुझे अभी दृढ़ता की शक्ति यूज करने, जो बाबा ने बोला ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे, केवल वर्णन करने वाले। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। टू केवल वर्णन करने वाले टू बातों से वंचित रहते हैं कि वो खजाने का जो सुख होता है ना अनुभव, मेरे पास खजाना है उसका जो सुख है, क्योंकि वो खजाना नहीं है। और दूसरा फिर अगर है तो जब देते हैं तो जो सुख मिलता है ना, ज्ञान है, पता है, लेकिन वो अनुभव नहीं आया तो फिर वो सुख नहीं मिला मुझे। पैसा ऐसा कमाते हैं, ऐसा कमाने से फायदा है, लेकिन मेरे पास बैंक में पैसा ना हो तो मुझे सुख, अच्छा पैसा हो लेकिन टाइम पर यूज ना करे तो भी दूसरी बात, और फिर दे नहीं तो भी तीसरी बात। इसलिए बाबा कह रहे हैं, हाँ लास्ट संडे का था ना विशेषता वाला, तो जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, न खुद कार्य में लाएगा और न औरों को लगाने देगा, न स्वयं लाभ लेगा न दूसरों को लाभ ले देगा। तो मतलब खजाना है, ज्ञान का खजाना, लेकिन अगर मैं टाइम पर उसको यूज नहीं करूं तो वो मेरा अनुभव नहीं बनता है, लॉकर में पड़ा है। क्लियर है? तो लॉकर में कितना भी पैसा पड़ा हो, अगर मैं जरूरत है वहां वो चीज यूज खरीद नहीं कर करती हूं तो क्या कहेंगे, वो तो वैसा ही गरीब है ना। तो बाबा कैसे, अलमारी में होगा तो न स्वयं लाभ लेगा न दूसरों को देगा, तो धन होते भी सुख नहीं लिया ना, तकिए के नीचे रह ही जाएगा,
खुद चला जाएगा। तो ये वर्णन करना, सिर्फ वर्णन करना अर्थात यूज न करना, सदा गरीब दिखाई देंगे। ये धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, न दूसरों को दे सकते सदा ही। तो ये धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करो, क्रोध कर रहा है उसमें मुझे कौन सा धन यूज करना है, लॉकर में पड़ा है, कौन सा धन यूज करना है क्रोध के समय, सहनशील, सहनशक्ति, सहनशीलता और डिपेंडिंग, कौन कितना धन यूज करना है, तंत्रज्ञता, अभी उसका तमोप्रद, नम्र चित हो जाओ, समाने की शक्ति, समाने की शक्ति। तो ये धन मैंने यूज नहीं किया, पता है मुरली में सुना भी है, पुरुषार्थ भी देखा है, किया है, टाइम पर यूज करो। टाइम पर यूज करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्लैरिटी, एवर रेडी, कि वो हमारे जैसे कहते हैं ना टिप्स पर है, तब उसको हम यूज कर पाएंगे, नहीं तो ढूंढते ही रहेंगे। एक्यूरेटली पता है ना कि यहाँ है, तो अंधेरे में मिल, कई चीजों के लिए हम कहते हैं ना, मुझे अंधेरे में भी अगर बोलो ना तो मैं निकाल दूंगी वो चीज। बाबा ने कहा ना कि जो सेट पड़े हैं तो टाइम पे कौन निकाल पाएगा, जिसको पता, और वो तभी पता होता है जब बार बार देखते रहते हो उस चीज को, जब बार बार वहां से निकालते रहते हैं या, तो फिर वो पता होता है। बहुत समय तक यूज ही नहीं करो तो फिर भूल जाता है ना कि ये ड्रावर में रखा था या वो ड्रावर में रखा था, पता तो है कि ड्रावर में तो रखा था। तो इसलिए ज्ञान, मुरली सुनी, अब आप देखो एक घंटे बाद कितनी परसेंट रिटेनिंग होगी, अब उसको पढ़ना है, फिर कल हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर उसका रिवाइज करो, तब वो मुरली अंदर जाती है, तब याद रहता है कि नहीं इस समय मुझे ऐसे करना, तब। तो इस विधि से चलते रहेंगे तो बाबा कह रहे हैं, तो सदा ही क्या करे कैसे करे इस विधि से चलते रहेंगे, मतलब धन है लेकिन फिर भी, तो सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, न दूसरों को दे सकते, सदा ही क्या करे कैसे करे इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाती है, वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदा करो, नंबर वन वाले या दूसरे नंबर वाले, कौन से सौदा करो। इस खजाने का कंडीशन यह है, नंबर वन सौदा कौन सा है, नंबर वन सौदा उसको मनन करने, अनुभव करने, अनुभव में, और दूसरा है वर्णन करना, ये सेकंड नंबर का सौदा। बहुत अच्छा, आज की मुरली कैसी है, बहुत अच्छी, वर्णन किया पर मनन नहीं किया। अब पॉइंट ले लो कि मुझे आज की मुरली से क्या मनन करना है, अपना होमवर्क खुद देखो। तो नंबर, इस खजाने का कंडीशन यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है, वृद्धि होने की विधि। इसमें विधि को न अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कर कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। देखो बाबा, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, कितने ज्ञान सुनते हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं लेकिन अब तक कहते रहते हैं समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करे, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, योगी नहीं लगता, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा मदद दे दो, कभी बाप से रूरियान करेगा मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। तो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वो दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है।
मनन शक्ति से जो स्वयं धन को बढ़ाता है वो दूसरे को भी धन में आगे। मनन मतलब खुद का ब्लड, वर्णन मतलब खाना सामने है, अब खा लो तो वो ब्लड बनता है। तो ये बाबा कह रहे हैं, तो मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है, धनवान का सुख यूज करो टाइम पर। मनन का मतलब ये टाइम पर उसको मैं इमीडिएटली यूज कर सकूं। वैसे भी धन का फायदा तभी है ना, वो चीज मिले नहीं टाइम पर, अच्छी वैल्यूबल चीज है और आपने रखी उस ओकेजन के लिए और वो ज्वेलरी मिली नहीं, तो चेक करने का काम देते रहते। अभी बाबा कहते समझा, मनन शक्ति का महत्व बहुत है। मनन शक्ति पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो बाबा चेक करने। पिछली बार चेक करने को दिया ना, 5 बातें चेक किया हमने, वृत्ति का पूरा समराइज किया था ना, 4-5 बातें। अभी भी कौन सा चेक करना है आज? सौदा पहले तो बहुत कम है आजकल, आज का होमवर्क बहुत कम है। मनन शक्ति, मनन शक्ति, अनुभवी बने हैं, और फिर दूसरा एक अनुभवी बनना और दूसरा देना। अनुभवी कर्मों से जो दे सकता है ना वो बहुत कुछ दे सकता है, बहुत शक्तिशाली रूप से दे सकता है। तो चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो। और फिर आप कहो कि हमें तो पता ही नहीं, यह बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते। चेक करना अर्थात चेंज करना, चेक करना अर्थात चेंज करना, ये भी अंडरलाइन करो। चेक किया मेरे में ये कमी है, और फिर अगर वापस कल लगा कि अरे वापस मेरे में, तो इसलिए चेंज नहीं किया, चेक तो किया कि हाँ अलबेलापन आ गया है, ये है जो भी है, चेंज करो। अच्छा, ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा के, ईस्टर्न में पूरा ईस्टर्न आता है, कलकत्ता, उड़ीसा और नेपाल, ये सब ईस्टर्न में काउंट करते हैं बाबा। असम भी, हाँ, ईस्ट से सूर्य उदय होता है, तो ईस्टर्न जोन अर्थात ज्ञान, सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले। देखो कितना क्या बाबा मंथन करके उनकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। ज्ञान सूर्य भी ईस्ट से शुरू हो, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का ज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। मास्टर ज्ञान सूर्य चारों ओर के अंधकार समाप्त करने वाले हो। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो? कौन सी सेवा बाबा ने बोली, सबके लिए बोली या बहनों के लिए बोली सिर्फ? कौन सी सेवा? सूर्य ज्ञान सूर्य दूसरों के अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले, ज्ञान सूर्य बन अंधकार को हटाना। तो इसी सेवा में बिजी रहते हो या प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो? सूर्य का काम है अंधकार को मिटाना। काश सूर्य का काम है, गुलाब भाई क्या बोल रहे हैं, रोग देने के कार्य में बिजी रहना, और फिर उस रोशनी से कितना कुछ कार्य हो जाता, रोग के कीटाणु भी मिट। तो चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो, या कभी उलझन में आ जाते हो,
पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। देखो ईस्टर्न वालों को ज्ञान सूर्य से कंपेयर किया बाबा ने, और वैसे भी बाबा भी कलकत्ता के थे ना, बाबा की गद्दी कलकत्ता में थी बिजनेस, फिर बाद में सिंध में आए बाबा, हैदराबाद सिंध में, न्यू मार्केट में अभी भी दुकानें हैं उनके नाम से। हाँ तो बाबा तो कहते हैं, बाबा ने कहा कि ज्ञान की रोशनी देना पहला कर्तव्य है। ईस्टर्न वाले कौन है यहाँ? एक राज भाई, सरला बहन भी बैठी है, मंजू भी है, और ज्ञान की रोशनी देना। जब ये स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब ये सेवा स्वतः होती है। जहां परमार्थ है वहां व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है। परमार्थ द्वारा रोशनी देना, तो जहां देखो मतलब भाई बहन घर गृहस्थ में रहने वाले हैं ना, उनके सामने बाबा, तो वो सब सामने है बाबा के। तो बाबा कह रहे हैं जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। परमार्थ से व्यवहार सिद्ध होगा या व्यवहार से परमार्थ सिद्ध होगा? परमार्थ क्या दीदी? परम अर्थ, परमात्मा के कार्य अर्थ, सुप्रीम फीलिंग से, सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग से, सुप्रीम टीचर के ज्ञान से जो हम कार्य करते हैं परमात्मा के कार्य को, तो वो टीचिंग से कार्य करना, तो परम अर्थ परमार्थ, तो व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा ने जैसे कहा वैसे मुझे करना है। तो परमार्थ मतलब अपनी स्पिरिचुअल लेवल भी इंक्रीज होगा। बाबा ने श्रेष्ठ वृत्ति कहा, ठीक है, अभी कहा मनन करो, ज्ञान दो, तो अब श्रेष्ठ वृत्ति ये बिजनेस के लिए यूज होगी या नहीं होगी? फायदा आया या नहीं है बिजनेस में? क्या कहेंगे बिजनेस में? बोलो भाई, भाई बताओ। बाबा की टीचिंग से, और जो बाबा ने, जैसे बाबा ने कहा बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप, निर्व्यरत हर आत्मा के प्रति स्नेह सहयोग की भावना, ये फायदा है स्वयं के लिए? मैं उसके लिए एक बहन का नेचर है, किसी ने कुछ कह दिया बस फिर उससे बात ही नहीं करना, वो माइंड में रखना, फिर उसने कुछ कह दिया बस उससे बात ही नहीं करना, ये इंप्रेशन बना बना के रखना, क्या हालत होती है ऐसे माइंड की? खुद के माइंड को देखो, ये खराब, बस हमने, मैं जीवन भर इससे बात नहीं करूंगी, इसने ऐसा कुछ कहा जीवन भर नहीं करूंगी, मेरा माइंड कैसे होगा? और वो भी उन आत्माओं के साथ जो साथ में रहने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना, तब ये सेवा स्वतः होती है। जहां परमार्थ है वहां व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार एकता स्वतः ही आ जाती है। बाबा के जो भी ज्ञानी परिवार है या एक भी ज्ञान में चलता है, कैसा हो जाता है परिवार? बोलो भाई आप सब लोग, कोई सिंगल है कोई पूरा परिवार चलता है, कैसा होता है? वर्ग की तरह हो जाता है। प्यार बड़ा कि कम हुआ आपस में? बड़ा ना, अंडरस्टैंडिंग बड़ी या कम हुई? सबसे बड़ी चीज है कि पीस होती है रिलेशनशिप में, पीस होती है, पीस होगी आप बहुत ज्यादा और काम कर। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, अंडरलाइन, जो बहुत बड़ा मिथ है कि भगवान का बनने से ना सब जगह से दूर हो जाओगे, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना, वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो ना। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को
सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिमान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम दुहानी बच्चों की दुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कोटी कोटी धन्यवाद बाबा, कोटी कोटी शुक्रिया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। सामने कैसी ज्ञान की वर्षा किया है, एक 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 किरणें टच हुई ना सबको। प्रधान संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। 16 कला मतलब यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। 16 कला मतलब हर कर्म में कला हो। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी तो ये कला हुई ना, उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। बाबा देखता था तो कैसे, बाबा बैठते थे तो कैसे बैठते थे, चलने की कला मालूम है, चलने की कला में मम्मा आई बातें कर रहे थे ना, शिव भाई ने उस दिन सुनाया था ना, पीछे से गई पता भी नहीं चला, चलने की कला, पैर की भी आवाज ना हो ठप ठप टप टप, ये भी चलने की कला नहीं है। तो हर कर्म में एक रॉयल्टी गुण दिखाई दे उसमें, तो चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। अच्छा स्लोगन है, पावरफुल वह है। तो आज सॉरी उसके पहले सोमान आज का याद रहेगा, सोमान तो बहुत अच्छा। मैं 16 कला संपन्न, तो जब जब अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे मैं 16 कला, तो याद आ जाएगा ना कि बोलने में देखने में कला हो, बोलने में कला हो। अच्छा स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। कितना अच्छा स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। ठीक है तो फैसला करे, पावरफुल बने, सौदा करे पक्का। देखो इमर्ज करो बाबा, सामने है डील पूरा लेके आया है बाबा पेज पर, और अब बच्चे को बता दिया क्या क्या तुमको देना है, हमको साइन करनी है। करेंगे साइन सभी साइन करें, चलो जी। तो ऐसे अभी योग करेंगे ना तो साइन कर देना।